चला गया? अभी जगाओ, उसने क्या स्कूल नहीं जाना आज? जाती हूँ, जगाती हूँ। जगाओ जल्दी। चिकू बेटा, चिकू बेटा उठो, नहीं जाना आज, बज गए। मुझे नहीं जाना आज, मुझे मामा मुझे स्कूल नहीं जाना। उठ मेरे पुत्र, उठ। बच्चे जा पानी से मुंह धो के आ। मेरे को जल्दी चला रही आज का जाके गिरी से वैसे लेकर जा पानी से धो के उठ। ब्रश करना जरा, ले लो बाबा मैं आ गया, आप मुंह धोकर किताब पकड़ के पढ़। अच्छा बाबा, थोड़ा स्कूल के लिए लेट हो रहा है, अगर जाना ही है तो फिर रोटी छुट्टी दे लो, मैं जाता हूँ। मम्मा टाइम क्या हो गया? मामा ये लोग जमीन का क्या हुआ? जमीन चल रहा है, चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो उसने सुबह ही फोन किया था, बोल रहा था आपसे बात करनी है। ये बात, मैं जाता हूँ थोड़ा पानी के बाहर होके आ जाता हूँ, ठीक है? अच्छा, ठीक है, अच्छा जाओ बाबा। जी वो मैं पानी पे गया हूँ, क्या हो गया? हाँ आया आया, अभी आया, लगता है वही होगा, देखता हूँ जरा क्या हुआ। ठीक है, मैं फोन करूँगा बाद में, हाँ थोड़ा बिजी हूँ मैं, ठीक है? अच्छा बाबा, एक शर्त है मेरी। हाँ बच्चे, मैं स्कूल तभी जाऊंगा जब मेरे को कुछ खाने के लिए पैसे दोगे, मैं तुम्हें स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं बच्चे, पैसे कौन खाते हैं? ना बाबा, मुझे जाना है। क्या जाना है बच्चे? मुझे कुछ खाने के लिए जाना है। जाओ बच्चे स्कूल जाना। ना 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 ना, मुझे पैसे दो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे पास है नहीं बच्चे, पता है दो दिन से बैठ नहीं गया। आपने मेरे को पहले जल्दी जगा दिया सुबह, मेरे को पैसे दो। नहीं जाओगे स्कूल? ना मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। कल वो मैडम मारेगी बच्चे। मेरे पास है ही नहीं, तुम्हें कहाँ से? मामा को मारो ना। जाओ मामा को मांगो, अगर पैसे है तो दे। मामा दो पैसे। मामा के पास है ही नहीं, मैं नहीं देना स्कूल। नहीं है बच्चे, देख नहीं करते सामने। जाओ बच्चे, जाओ स्कूल, दे दो अगर कुछ है। 10 रुपए टूट दो, अब मेरे शेर जल्दी आना वहाँ। ऐशा जी, जरा जरा मेरे बात हो जल्दी। इनफ स्पेस। सच में खा रहा है। हेलो, इधर इधर। कौन हूँ मैं?
किया मेरी बात सुन। ये सब आज का प्यार का समझा रहा हूँ मैं तुझे। ये सब मैंने क्या गलत किया सर? गलत ये क्या? ये जो है वेस्ट, ये हम यहाँ से पानी पीते हैं। क्या करते हैं? पानी पीते हैं सर। पीता है पानी की नहीं पीता है? मैं सुबह आया था सर इधर। ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। अगर की दोबारा मुझे दिखा 2 साल के लिए अंदर और चर्बी निकाल दूंगा। क्या इधर दोबारा ऐसा नहीं करना। आज की स्प्रेड कर रहा तुझे, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा बच्चा है तू, दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक बड़ा ये मेरे को समझौता देने वाला है, मेरे को खाने भी नहीं देगा। अच्छा बाबा, मजा आ गया। अच्छी थी बाबा, अच्छी थी। अच्छा अगर आपको फोन था ना, खाना कहीं कुछ दे रहा हूँ, फिर जाता हूँ स्कूल। जाना कैसे बना खाना? खाना कुछ नहीं है, पानी नहीं आया। शाम का तो होगा खाना? शाम का दे दो इसको। ये शाम का मुझे नहीं खाना, मेरे को अभी का खाना चाहिए। खा लो, पानी नहीं है। नल से पानी नहीं है बेटा, खा लो। 10 प्योर दो मेरे को, 10 प्योर चाहिए। अच्छा बच्चे वापस जब आओगे ना, खा लो बच्चे पानी, खाना खा लो। खा लो खा लो। अच्छा बाबा मैं जाता हूँ स्कूल। बच्चे लड़ाई भी करना किसी से, अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है पानी नहीं है, आया क्या पानी का? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, पानी ठंडा हो तुम दो के वापिस आना चाहिए। और जी कैसे हो? बस ठीक है, बताओ। बस ठीक है, मैंने की वीडियो स्पेशल मुझे दे। जल्दी करना, मेरी आंख में साबुन चला गया। ठीक है कोई हमको रानी मम्मा को यहाँ ही पानी वैसे बैठे रख, हमें बर्तन धो के आती हूँ, पानी नहीं बाबा में आ गया स्कूल से। क्या बड़ा बच्चे आज कुछ बड़ा, थोड़ा बहुत बड़ा। क्या बड़ा बच्चे? पर मैडम ने मेरे को मारा भी बहुत बाबा। क्या मारा बच्चे? बोला वो सुबह सच बोलता था पानी पर ये गलत मतलब फेंकते हो। मैंने उधर भी थोड़ा बहुत खाया ना, जो 10 रुपया मिल गए थे मैडम ने मारा, इधर गंद नहीं करना चाहिए। हाँ बच्चे क्या बोला? बोला ठीक है ऐसा करना, ठीक है गंदगी नहीं करनी। अच्छा मेरे को फिर बहुत भूख लगी, चलो हेलो पानी। चश्मे से लाया कि चश्मे से लाया? नल से लो, मेरे को नल की पानी चाहिए। नहीं बच्चे नल वाला नहीं, मेरे को चश्मे का जिन चाहिए। बात मैं वो तंग कर दिया, कुछ नहीं होगा बच्चे, चश्मे वाला पानी पी लो। बाबा ये थोड़ा कड़वा है उस नल के पानी से, कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा कड़वा, अब आया नहीं नल वाला तो क्या करेंगे? उसको क्या हुआ? कहीं खेती खत्म होगी, पानी खत्म होगा। इधर को इधर कुछ दर निकला है पानी से। ये कहाँ से लाया? चश्मे से लाया था भैया, चश्मे का पानी था बेटा। इससे बाहर को दर निकला, कुछ नहीं होगा बाहर को दर निकला। बाबू सोनी तू भी कुछ करवाइए तेरा। नहीं नहीं
गाड़ी लाओ गाड़ी। बच्चे उठो चलते मार दो मुझे। नहीं सर आराम से आराम से अभी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ये सुबह स्कूल गया, आते ही स्कूल से इसने पानी पिया और ये वहीं पे लेट गया। डॉक्टर साहब पानी कहाँ से पीते हो? चश्मे का पानी पिया था जिसने। डॉक्टर साहब वो तो आपने जल्दी कर दी, इसको लाने में नहीं तो और भी ज्यादा बीमार हो सकता था। ये तो पानी आप पानी जो पी रहे हो वो गंदा पानी पी रहे हो। पानी में आपकी बहुत गंदगी है जिसकी वजह से बीमार हो गया। पानी में गंदगी है जिसकी वजह से बीमार हो गया। ये तो डॉक्टर साहब इसको कुछ करो, इंजेक्शन लगा देते हैं पर अपना अपना पानी साफ रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा कोविड टेस्ट कराया हमने, करा दिया है सर। कौन से कराया? ये कल शाम को आज दोबारा कराएंगे कोविड टेस्ट और ये सही कर दो। इनको भी दो पानी, इसको बॉइल करके पिलाए पानी जो उसका प्योरीफाई हो जाएगा तो आपके पास बच्चा ठीक रहेगा, उसको बीमारी नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ टिकी टेबलेट वगैरह दे दो इसको। दवाई लिख के दे दो, दवाई लिख के देता हूँ और दवाई दूंगा सुबह शाम दोपहर को गर्म पानी करके आपने उसको खिलानी है। जैसे पानी या ठंडा पिएगा या गर्म? गर्म बॉइल पानी होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है दे दो पच्चीस दे दो मुझे दवाई। घर चलते हैं बच्चे, घर ठीक हो गया मेरा पुत्र, ठीक हो गया सब मेरे से। वाओ गर्म पानी पिलाएगा मेरे को, कुछ नहीं हो गया जय मेरा पुत्र आपने से। चल मेरे से घुटके जाएगा, अपने घर में ध्यान रखना। बच्चे अब घर चल के जाएगा, जब भी आप घर जाओगे तो घर जाके सब जितने इनका कोविड टेस्ट कराना है आपने। ठीक है, कोविड टेस्ट कराने के बाद आराम से घर जाके गर्म पानी दे रहे हैं इनको सुबह शाम। पानी ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है चल बच्चे चलते हैं। चलते हैं बाबा, चल फिर सब मेरे पुत्र आराम से ठीक हो जाएगा। अभी क्या हुआ भैया? भैया बाबा को पता होगा सारा, कभी थोड़ा बच्चे कहीं पानी की पानी सुनाई दे रहा है कहाँ पे कहीं पानी पड़ता है वो शायद मैंने भी पूरा छोड़ दिया। मैंने भी छोड़ दिया। आप चारों ने एक ही काम किया, तेरा कोई जा रहा थी। ये तो गलत बात है, ये तो मैंने भी खोला छोड़ दिया। मैंने भी छोड़ दिया। बच्चे एक काम करना, कल से कोई बंदा नल खोला नहीं छोड़ेगा। ठीक है, देखो नल खोला छोड़ा तो टंकी में पानी खत्म हो गया। टंकी में पानी खत्म हुआ तो हम चश्मे पे गए, वहाँ पे पूरा पानी गंदा था। कल से ध्यान रखना। ठीक है, आओ चलो घर चलते। जी बाबू चश्मे के पानी से देख लो कितना बीमार हो गया बच्चे मेरे। नहीं चश्मे का टंकी का पानी ध्यान रखना। ठीक है तो भाइयों बहनों और जितने भी मेरे दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपने इस फैमिली के रोल के थ्रू देखा कि किस तरह से हम पानी की जो है वेस्टेज करते हैं, किस तरह से इसको व्यर्थ करते हैं और कितनी बेफिक्री से हम पानी को जो है खुला छोड़ देते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि माँ जो है अपने बच्चे को भेजती है, जब वो नींद से उठता है उसको ब्रश पकड़ाती है और उसको भेजती है नल पर, तो वो जब जाता है ब्रश करने तो वो पानी को खुला छोड़ देता है। तो देखा जब आपने वो यहाँ से गया तो वो जब ब्रश कर रहा था तो इतने में वो पानी खुला हुआ ही था, उसने उसको बंद करने की ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब वो आया उसने हाथ मुंह धोया और हाथ मुंह धोने के बाद वो चला गया, लेकिन जो नल था वो खुला का खुला ही रह गया, तो उसने उसको बंद करने का ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब माँ ने अपने दूसरे बच्चे को भेजा तो उसने भी आकर देखा जो नल था वो पहले का खुला हुआ था, लेकिन हमने वो भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो दूसरा बच्चा था वो भी आया, उसने भी उस वहाँ पे हाथ पांव धोए और फिर वो चला गया, उसने भी ब्रश किया, उसने भी ध्यान नहीं दिया। और जब वो वापस गया फिर से वो नल खुला हुआ था। और जब तीसरा मेंबर जो फैमिली का सबसे बड़ा था, जो बुजुर्ग था, वो भी आया, उसने भी देखा जो नल है वो पहले का खुला हुआ है और फिर भी उसने अपने बच्चों को जाकर ये नहीं कहा कि तुम तो वो नल खुला ही छोड़ के आए थे। उसके बाद उसने भी अपने हाथ पांव मुंह धोया, ब्रश किया, लेकिन वो फिर भी वो नल खुला हुआ था। इतने में उसको फ़ोन कॉल आ गई, उसको फ़ोन पे वो बातें करने लगा, फिर भी उसने वो ध्यान नहीं दिया, वो बात करते करते वहाँ से निकल गया। उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया कि जो नल है वो खुला हुआ है। तो हमें ये समझना होगा कि आज तो हम पानी का इस तरह से वेस्टेज करते हैं, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन कल को आने वाले वक्त में हमें इस पानी की बहुत किल्लत हो सकती है। ये इस चीज़ को हम आज नहीं समझ रहे हैं। जिस तरह से कहते हैं कि जल ही जीवन है समझते हैं हम, फिर भी बेफिक्री से नल खुले छोड़ते हैं हम। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहाँ पे ये फैमिली का रोल किया गया उसको हमें ये मैसेज पहुंचता है कि जो हम पानी को गंदा करते हैं, किसी कुएं को या चश्मे के पास हम पानी को गंदा करते हैं,
या फिर हम पानी को वेस्ट करते हैं, जैसे कि कभी ऐसा होता है कि कभी टैंकी ओवरफ्लो हो जाती है या फिर कोई वाशरूम जाता है वो पानी खुला छोड़ के चला जाता है, उसको ये ख्याल नहीं रहता है कि पानी अगर खुला है वेस्ट हो रहा है या फिर पानी में कुछ गंद डाल देते हैं गंदा हो रहा है, ये नहीं सोचता है। जिसकी वजह से अभी अपने फैमिली के रोल में देखा कि एक बंदा बीमार हो जाता है पानी पीने की वजह से, तो इसी की वजह से पानी जो है पानी को हमने गंदा नहीं करना है। तो पानी अगर गंदा हो गया इससे ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और आने वाले समय में भी ये हानिकारक हो सकता है कि पानी जो है पानी की जो कीमत हो जाएगी और हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से